मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में कोविड संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए संसाधनों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए केंद्र से भी मदद ली जा रही है और इसी के तहत भारतीय वायुसेना के C-17 एयरक्राफ्ट द्वारा इंदौर एयरपोर्ट से 3 ऑक्सीजन के खाली टैंकर भिलाई के लिए एयरलिफ्ट किए गए हैं। गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा केंद्र सरकार के साथ साथ समन्वय स्थापित कर प्राणवायु लाने के लिए आज लगातार 6ठे दिन इंदौर एयरपोर्ट पर भारतीय वायुसेना का विमान आया। पहली बार 23 अप्रैल को 30 मीट्रिक टन क्षमता का खाली ऑक्सीजन टैंकर लेकर जामनगर के लिए रवाना हुआ। 24 अप्रैल को C-17 एयरक्राफ्ट इंदौर एयरपोर्ट से खाली ऑक्सीजन टैंकर लेकर गुजरात के जामनगर के लिए रवाना हुआ। वहीं 25 अप्रैल को वायुसेना के एयरक्राफ्ट इंदौर एयरपोर्ट से एक एक खाली बड़े ऑक्सीजन टैंकर लेकर जामनगर के लिए रवाना हुआ और इसी तरह 26 अप्रैल को 20 मीट्रिक टन क्षमता का एक खाली ऑक्सीजन टैंकर जामनगर के लिए एयरलिफ्ट किया गया। 27 अप्रैल को विमान से 2 ऑक्सीजन टैंकर को लेकर जामनगर के लिए उड़ान भरी।